आज के इस एपिसोड में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वेजिटेबल इडली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं और जब भी आपका कुछ हल्का खाने का मन करे तो आप ये वेजिटेबल इडली बना के खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बहुत आसान है इसे बनाना। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं सना खान आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वेजिटेबल इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे और ये हम बना रहे हैं सूजी से। तो एक कप लिया है सूजी, आधा कप लिया है दही और इसी बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसी कप में, और इस तरह से थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया साथ में। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें आप, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए सूजी को मैंने दही में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालें आप, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। सूजी काफ़ी ज़्यादा पानी सोख करती है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें इसमें। तो बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसी तरह का बैटर हमें बनाना है। एकदम लम्स फ्री बैटर हमारा रेडी है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और अब हम इसके लिए वेजिटेबल तैयार करेंगे। तो हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पे, 2 से 3 चम्मच छोटी चम्मच। और इसमें मैंने आधा चम्मच राई, काली राई डाली है, मस्टर्ड सीड्स, 6-7 पत्ते मैंने डाले हैं करी लीव्स के। और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के वो ऐड किया है। प्याज को हल्का सा भून लेंगे, बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा गुलाबी कलर इसका हो जाएगा, बस उतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो बस हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई कैरेट, गाजर लिए है मैंने, आधी गाजर को बारीक काट कर ऐड कर लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक काट के ऐड कर ली है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड करें। आधा शिमला मिर्च लिया है बारीक कट करके। सारी सब्जी को चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, हल्का सा इनका कच्चापन निकल जाए उतना ही हम इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और नमक मैंने पहले ऐड कर लिया था इसमें। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करें क्योंकि हमने बैटर में भी ऐड किया है, तो यहाँ बहुत कम नमक आपको ऐड करना है। और अब इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। ये देखिए हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से पक चुकी हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम इडली का जो बर्तन होता है इडली मेकर, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया है और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये इडली का मोल्ड है मेरे पास, इसको भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर रही हूँ जिससे इडली आसानी से बाहर निकल आए। तो इस तरह से इडली के मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इडली के बैटर को देखते हैं। तो ये देखिए हमारी सूजी काफ़ी ठीक हो गई है, पहले से पानी काफ़ी सोख कर लिया है सूजी ने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये सारे मसाले जो हमने तैयार किए हैं वेजिटेबल के साथ वो ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें,
और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी थिक है। तो बस हम इसे पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और ये हमारा इडली का बैटर कुल रेडी हो जाएगा। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं इनो, ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। आप चाहें तो आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लें, जो खाने वाला सोडा होता है वो बेकिंग सोडा होता है, वो आप यहाँ पे आधा चम्मच ऐड कर लें। मैं यहाँ पे इनो ऐड कर रही हूँ, तो तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इनो ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आपके पास बेकिंग सोडा हो तो आप बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, और बेकिंग सोडा नहीं हो तो आप इनो ऐड कर लें। इनो भी आपको सिर्फ आधा चम्मच ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट आता है इडली में, तो आधा चम्मच ही आप इसमें ऐड करें और एकदम से इसे मिक्स करें। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और उसके बाद हम इसे इडली के मोल्ड में डाल देंगे। ये देखिए हमारा बैटर एकदम से फ्लफी हो गया है। तकरीबन दो दो चम्मच हम इडली मोल्ड में डालेंगे। पानी हमने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो फटाफट से हम इडली मोल्ड में डालेंगे बैटर को और रख देंगे इसको इडली मेकर में। तो आप इसी तरह से प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में अगर आप बनाएं तो प्रेशर कुकर का जो विसल होता है उसे निकाल दें और रबड़ को निकाल दें, और उसके बाद आप ढक्कन बंद करें और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम पकने देंगे, स्टीम होने देंगे। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और मैं इनको एक बार चेक कर रही हूँ नाइफ़ से। तो नाइफ़ इंसर्ट करेंगे और बिल्कुल बीच में इंसर्ट करना है। नाइफ़ हमारी क्लीन निकल रही है, इसका मतलब हमारी इडली बन के रेडी हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं और इसे बहुत केयरफुली निकालना है क्योंकि बहुत गर्म होता है। निकाल के इसको ठंडा करेंगे। तो इडली को हम ठंडा होने देंगे, ये ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो एक स्पून की हेल्प से हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी फ्लफी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखाऊंगी। पहले मैं इनको डिमोल्ड कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ सारी इडलियाँ। तो ये हमारी सारी इडली बनके रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही स्पॉन्जी है। ये देखिए ये आप अपने बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं और आप भी इसको शाम की चाय के साथ बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है आप इसे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही स्पॉन्जी है अंदर से। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को